कितनी शेडो आ गई थी, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये अब तो बहुत हल्की हो गई। देखिए आप अभी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इवनिंग का टाइम है, 7 o'clock होने वाले हैं। तो गाइज, कुछ कमेंट्स आए हुए थे पिगमेंटेशन को लेके, कि आपकी पिगमेंटेशन कितने परसेंट चली गई है। और कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आते, डेफिनेटली ऐसा फील होता है। पर गाइज, क्या होता है ना, मैंने खुद, मेरे को पिगमेंटेशन बढ़ने लगा था, और रियली मैं भी स्ट्रेसफुल हो गई थी कि यार, क्योंकि बहुत ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैंने पिगमेंटेशन देखे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये एक बार स्टार्ट होती है होना, तो ये बढ़ती चली जाती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और बिलीव मी यार, कितने ट्रीटमेंट आप करा लो, इसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। डाइट ही इसका एक मात्र सॉल्यूशन है। तो एक अच्छी डाइट से, क्योंकि इसका जो रीजन होता है वो बेसिकली हमारे शरीर में जो है कमियों की वजह से होता है। आपने देखा होगा 90% ही पिगमेंटेशन जो होता है प्रेगनेंसी के बाद भी लेडीज में आता है। तो जैसे कि मुझे आया, तो मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। गाइस देखो, आपको दिख भी रहा होगा, ये एरिया दिख रहा होगा, देखो हल्के हल्के से स्पॉट्स रह गए हैं, पर काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। मैं तो खुद इस चीज को फेस किया है, तो मैंने इसलिए ही इस टॉपिक को उठाया कि भाई ऐसे बहुत लोग मुझे मिलते हैं। ऐसे मैं कहीं भी जाती हूँ तो मतलब मुझे दिखते हैं लोगों के फेसेस पे, स्पेशली लेडीज के पिगमेंटेशन बहुत केसेस दिखते हैं। तो गाइज, आप इस डाइट को फॉलो कीजिए, आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, और आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोज देख सकते हैं, उसमें मैंने day 1 से बनाई हुई है, उसमें आप मेरे पिगमेंटेशन देख सकते हैं। और ये आपको ये दिख रहा होगा ना, ये एरिया, ये गाइज, ये दिख रहा है आपको इधर से और इधर से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, शेडो पड़ रही है। तो गाइज, यहाँ यहाँ इतने बड़े बड़े हो गए थे ये, मतलब ये इतने इतने शेडो आ गए थे यहाँ इस एरिया में, इवन नोज पे इधर। और आपको दिखा, मैं दिखा रही हूँ काफी क्लोज से, ऐसे करके दिखाऊंगी ना, ये देखिए गाइज, ये दिख रहे हैं ना आपको। तो अब ऐसे मतलब नॉर्मल करूंगी तो हट रहे हैं। और जो इस डाइट से आपकी अगर स्किन गाइज ड्राई है, या आपकी स्किन में मतलब शाइन नहीं है ना, तो आपके उसमें भी रिजल्ट आएगा। तो इसको फॉलो करो, अच्छे से करो, आपकी स्किन में खुद ही आपको चेंजेस लगेंगे। तो गाइज, आप इसको फॉलो करो, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 में, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी पिगमेंटेशन कितनी है। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है 3 महीने या 6 महीने भी लग सके, पर गाइज डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और आपको अपनी जो स्किन है ना, स्किन का टेक्सचर जो होता है, जैसे एक रफनेस होती है, चेहरे पे शाइन नहीं होती है, उस पर आपको बहुत अपने आप से फर्क लगने लगेगा 1-2 महीने की डाइट से ही। और एक चीज और बोलना चाहूंगी गाइज, धूप, धूप से आपको स्किन को बचाना है, क्योंकि पिगमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है धूप। अगर आप सन के उसमें जाते हैं, सन के उसमें आते हैं, तो आप सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं। और अगर मेरे को जो है अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो मुझे लोटस की बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि मैं उसको यूज करती हूँ, और इवन मैंने उसका वीडियो भी बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो मेरी डालोगे आप लाइफ स्टाइल विद सैम लोटस सनस्क्रीन लोशन, तो आपको मिल जाएगा। गूगल पे सर्च, मतलब सॉरी यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको रिव्यू भी दे सकते हैं, कैसी स्किन के लिए, कैसे उसको लगाना है, क्योंकि उसको लगाने का भी तरीका होता है। सनस्क्रीन लोशन लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं तुरंत लगा लेते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका भी एक तरीका होता है। तो जैसे मैं यूज करती हूँ, आप भी उसी तरह यूज कीजिए। आप उसका वीडियो देखिए, सर्च कीजिए मेरे उस पर जाके चैनल पे, आपको पता लगेगा। क्योंकि सन से, धूप में ये बढ़ती ही है, तो अगर आप ऐसे, आप सर्दी आने वाली है तो आपको धूप में जाने जाना है। और गाइस, मेरी डाइट के हिसाब से ये भी है कि 15 से 20 मिनट आपको धूप भी लेनी है। धूप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 चाहिए होता है। और D3 अगर आपकी बॉडी में कम होगा, तो आप अच्छे से जो भी खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को भी लगने वाला है। तो D3 धूप से ही मिलता है, और कोई किसी फल किसी सब्जी में नहीं है। तो D3 भी आपको अपने शरीर में इंप्रूव करना है, उसकी सनलाइट लेनी जरूरी है। आप बिंदास बैठिए धूप में, बट फेस को सनस्क्रीन लगा लीजिए, और कुछ कवर कर ली थोड़ा सा, मतलब कुछ कवर करके बैठिए, ताकि डायरेक्ट फेस पे ना लगे, अपने बॉडी पे अच्छे से धूप लगाइए। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस, जो मैं डाइट बता रही हूँ, आप मेरी सारे वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि क्या होता है, कुछ कुछ नया बनाती रहती हूँ खाने के लिए, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो आप उससे खाते रहिए, पीनट्स खाइए, प्रोटीन डाइट लीजिए, दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, फ्रूट्स, इतनी सिंपल डाइट है। तो आप खाने के बाद शुरू करेंगे ना, तो आप, मैं ना शर्त के शर्त लगाती हूँ आप लोगों से, अगर आपने 21 दिन इसको फॉलो कर लिया ना, इसके बाद आपका जंक फूड खुद ही खाने का मन नहीं करेगा। पानी की कैपेसिटी आपने 10 से 12 ग्लास कर ली ना, तो मैं डैम श्योर कहती हूँ आपकी कमी नहीं होगी, आपको खुद ही प्यास फील होगी। तो गाइज, आप इस तरह से फॉलो कीजिए, आपका खुद देखेंगे आपका जो ये सब बाहर के फूड होते हैं, इससे खुद ही मन हटने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो गाइज, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना करती हूँ, स्टॉप करती हूँ, और बीच बीच में आती आती हूँ आपसे बात करने, ताकि आप मुझे बताते रहें, या नए जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं। तो गाइज, फॉलो कीजिए, और आप मेरा रिजल्ट देखिए, आपको जरूर इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपको जरूर मिलेगा। और आप देखते कितनी शेडो आ गई थी, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अब तो बहुत हल्की हो गई। देखिए आप
अभी ऐसे दिखाऊंगी तो आपको दिखाई भी देगी इवन, अब मैं छोड़ रही तो कितनी कम है। तो गाइस इम्प्रूवमेंट है मुझे खुद लगता है, क्योंकि मैं प्रॉपर फॉलो करती हूँ, तो आप भी फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा, पर विश्वास के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।